Hello, my dear friends. This is Prashant Mamani, and I welcome all of you in today's special video lecture. As you can see, I have placed dollar and Indian rupees on a seesaw. That means we are going to learn about up-down of rupee and dollar. Now, this subject or this topic falls under your General Studies 3. It is very important for you to understand how things are working regarding rupees gaining strength or when dollar gets strength. तो आप इस लेक्चर को प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा. डू नॉट ट्राई टू मेमोराइज थिंग्स, राइट, क्योंकि समझी गई चीजें ही आपको काम आएगी. आपने अगर इस चीज को बाय हार्ट करने की कोशिश की, देन आई एम सॉरी, आप थोड़े ही टाइम में इसके बारे में सब भूल जाएंगे. तो चलिए समझते हैं व्हाट इज अप डाउन ऑफ रुपी एंड डॉलर. व्हाट वर्क्स बिहाइंड रुपी डॉलर गेम, इसके पीछे कौन सा सिद्धांत काम करता है. इकोनॉमी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सिंपल एक थियरी है जिसका नाम है डिमांड एंड सप्लाई. इसके बारे में मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूं, लेकिन आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल जिसको आप समझ सके. आपने कई बार अपने दोस्तों के साथ मिलकर आइदर यू माइट हैव हैड ब्रेकफास्ट और सम स्नैक्स, राइट. आप इमेजिन कीजिए, और अगर आपके पास यू हैव टू पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स एंड यू आर लाइक आप 10 लोग हैं और आपके बीच में 10 लोगों के बीच में दो पैकेट है बिस्किट के, तो सबके शेयर में बहुत ही कम बिस्किट्स आएंगे, राइट. और इमेजिन कीजिए सबको भूख लगी है, तो हर कोई जल्दी जल्दी जितना हो सके उतना खाने की ट्राई कर रहा है टू गेट द मैक्सिमम इन देयर टमी, राइट. तो इस सिचुएशन में होता क्या है कि द डिमांड ऑफ बिस्किट इज हाई, लेकिन जो सप्लाई है वो कम है. इस हिसाब से जो बिस्किट है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, इज़न्ट इट. और आप ये डिमांड और सप्लाई का रूल दूसरी कई सारी चीजों पे लगा सकते हैं. अगर किसी चीज की सप्लाई ज्यादा है और उसकी डिमांड कम है, राइट, अगर उसकी डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, तो उस चीज के बारे में आपको इतनी ज्यादा दिलचस्पी नहीं होगी. दिस इज समथिंग नेचुरल फॉर ह्यूमन बींग्स. मूविंग ऑन, एक दूसरे एग्जाम्पल से भी समझने की कोशिश करते हैं. दैट व्हेन द डिमांड ऑफ द डॉलर इंक्रीजेस इन आवर कंट्री एंड इफ द सप्लाई ऑफ दैट डॉलर इज लिमिटेड देन द रुपी फॉल्स. अगर डॉलर की डिमांड ज्यादा है हमारे देश में और उसकी सप्लाई लिमिटेड है, तो सेम थिंग अप्लाई होती है, दैट यू वुड बी रेडी टू पे मोर रुपीज फॉर गेटिंग दैट डॉलर. और वाइस वर्सा भी होता है, जब उसकी सप्लाई ज्यादा होती है और डिमांड कम होती है, तो रुपी गेन्स स्ट्रेंथ. आई होप विद द हेल्प ऑफ दिस लेक्चर और जितनी अभी तक हमने बात की है, आपको ये चीजें थोड़ी बहुत समझ में आने लगी होंगी. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, देन यू शुड पॉज दिस वीडियो हियर, स्टार्ट इट ऑल ओवर अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द एग्जांपल्स व्हिच आई हैव प्रोवाइडेड. आप इसके अलावा दूसरे बहुत सारे एग्जांपल्स अपने ही सराउंडिंग में से ले सकते हैं, राइट. मूविंग ऑन, दूसरी एक स्थिति ऐसी होती है दैट व्हेन एक्सपोर्ट्स आर डाउन वी एस लेस डॉलर. आप खुद ही सोचिए, अगर आप कम व्यापार करेंगे तो आपके पास कम पैसे होंगे, और नाउ जब आप इंटरनेशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं विच टेक्स प्लेस इन यूएस डॉलर्स, राइट, सो इफ यू आर एक्सपोर्टिंग लेस, इसका दूसरे मतलब दूसरी भाषा में हम ऐसे बात कर सकते हैं दैट इफ यू आर सेलिंग लेस टू अदर कंट्रीज, राइट, देन यू वुड बी हैविंग लेस डॉलर्स इन योर पॉकेट और इन योर बैंक. दूसरा सिनारियो ये है दैट व्हेन इंपोर्ट्स आर हाई, जब आप कम बेच रहे हैं लेकिन ज्यादा खरीदी कर रहे हैं, तो आप पैसे देंगे, मनी वुड बी फ्लोइंग आउट. तो अगर आपके इंपोर्ट्स ज्यादा है, देन यू वुड बी पेइंग दैट ऑल फॉर ऑल दैट इंपोर्ट्स यू वुड बी पेइंग डॉलर्स, एंड इफ यू आर इंपोर्टिंग हायर देन योर एक्सपोर्ट्स, राइट, देन यू वुड बी पेइंग मोर डॉलर्स, डॉलर्स वुड बी गोइंग आउट ऑफ द कंट्री. तो उससे भी डॉलर की कीमत बढ़ती है और रुपए की कीमत
घटती है। फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स है FII, अगर FII जो इंडिया में इन्वेस्टेड है अगर वो इंडिया से इन्वेस्टमेंट हटाकर किसी और कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि उन्होंने जो डॉलर में इन्वेस्ट किया था नाउ दे आर टेकिंग अवे दैट डॉलर फ्रॉम द इकोनॉमी एंड दे आर सेंडिंग दैट डॉलर टू समवेयर एल्स राइट। द सप्लाई हैज डिक्रीज्ड डिमांड विल गो अप। Same thing is applicable to foreign direct investment as well. If foreign direct investment is high, then you have more dollars coming in. If it is low, then of course you would be getting less dollars in your economy. Moving on. Now, from last couple of days, we are seeing that dollar is getting stronger and iske bahut sare karan ho sakte hain, lekin I am presenting two or three reasons in front of you. First is increasing demand of dollar by oil companies. Second is demonetization and its impact on Indian INR, Indian rupees. And the third is victory of Donald Trump's in US presidential election. Right? So these are few reasons of dollar getting stronger. Moving on. Negative impact of strong dollar. Jo agar dollar ki kimat badh rahi hai, right? In context of Indian rupees. तो उसकी असर क्या होती है हमारी इकोनॉमी के ऊपर उसको हम समझते हैं। इंपोर्ट्स बिकम एक्सपेंसिव। इंपोर्ट्स क्यों एक्सपेंसिव हो गए? बिकॉज समझ लीजिए कि फॉर बाइंग वन बॉटल ऑफ वाटर इन इंटरनेशनल मार्केट पहले आज अगर रुपए की कीमत 60 रुपीज इज इक्विवेलेंट टू $1 For example, then you are purchasing one bottle of water for $1. और उसके हिसाब से conversion के लिए आपको 60 rupees में वो bottle पड़ती है। अगर rupee is going down in context of dollar, तो उसका हुआ कि say for example 5 rupees कम ज़्यादा हो गया, अब dollar expensive, तो वही bottle लेने के लिए you have to pay 65 rupees. और अगर वो पानी की बोतल आप इंडिया में बेचने वाले हो राइट सो यू आर इंपोर्टिंग दैट वाटर बोतल इन इंडिया फॉर 65 रुपीज फॉर विच यू यूज टू पे 60 रुपीज तो अब 5 रुपए यू आर स्पेंडिंग मोर टू परचेज वन बोतल एंड नाउ यू आर सेलिंग दैट इन द मार्केट सो यू वुड बी ऑफकोर्स सेलिंग इट मोर देन 65 रुपीज तो इम्पोर्ट्स आपके एक्सपेंसिव हो जाएंगे। और इंपोर्ट्स के ही कंटेक्स्ट में वी नो दैट वी आर इंपोर्टिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑयल। वी इंपोर्ट नियरली 75% ऑफ ऑयल फ्रॉम अदर कंट्रीज। सो इफ रुपीज फॉल्स एंड इफ डॉलर बिकम्स एक्सपेंसिव देन ऑयल आल्सो बिकम्स एक्सपेंसिव। अगर ऑयल एक्सपेंसिव होता है तो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है जो डीजल का उपयोग करती है दे आर आल्सो गोइंग टू वो अपने प्रॉफिट में से तो कट नहीं करेंगे दे विल पास दैट थिंग टू दे विल ऐड इट टू देयर सर्विसेज उसकी जो जो ऑपरेशन है बिजनेस ऑपरेशन उसमें वो जो कुछ भी प्राइसेस हाई गई है वो उसके ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के जो चार्ज है उसमें ऐड कर देंगे वो लोग। तो इसके ट्रांसपोर्टेशन से सभी चीजें ट्रांसपोर्ट होती है डोमेस्टिकली फ्रॉम हियर टू देयर बाय ट्रक्स ट्रेन रेलवे एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो उसकी कीमत में उसकी जो सर्विसेज है उसकी प्राइस अप जाएगी। अगर वो प्राइस अप जाएगी तो फॉर एग्जांपल जो वेजिटेबल्स है जो कश्मीर से एप्पल्स है वो कश्मीर से तमिलनाडु की ओर जाते थे तो पहले उसको एक ट्रक को 7,000 रुपीज पे करने पड़ते थे नाउ यू हैव टू पे 8,000 रुपीज तो जो एप्पल की प्राइसेस है वो भी अप जाएगी तो इसके हिसाब से सारी चीजें एक्सपेंसिव हो जाएगी राइट बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज तो हर कोई यूज करता है तो इसका इम्पैक्ट होगा हाउस होल्ड एक्सपेंसिस पे। अगर हाउस होल्ड एक्सपेंसिस बढ़ते हैं राइट तो सेविंग कम होती है सेविंग कम होगी देन लेस मनी वुड बी डिपॉजिटेड इन द बैंक। इंडस्ट्रीज है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट होगी तो ऐसे करके इन्फ्लेशन गोज अप। देखिए आपने देखा कि ऑयल का एग्जाम्पल लीजिए और अगर रुपी और डॉलर में अप डाउन होता है तो उसकी इम्पैक्ट पूरी इकोनॉमी पर कैसे पड़ती है। दिस इज अ स्मॉल एग्जाम्पल
अदर थिंग्स, ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल कंपनी बहुत सारे पार्ट्स हम इंपोर्ट करते हैं। नाउ यू कैन अप्लाई दिस थिंग टू ऑटोमोबाइल्स एज वेल, स्पेयर पार्ट्स एंड फिनिश्ड गुड्स ऑफ कार्स एंड बाइक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स भी हम बहुत मात्रा में इंपोर्ट करते हैं, वो भी अब प्राइसेस अप जाएगी। फर्टिलाइजर्स 50 to 55% का जो हमारा कंजम्पशन है वो इंपोर्ट होता है, तो प्राइसेस गोज अप, देन इट बिकम्स अ ट्रबल फॉर फार्मर्स एज वेल। मेडिसिन एक्सपेंसिव होती है, एंड शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री है। दिस इज एग्जाम्पल के गुजरात में एक एरिया है, अलंग में जो शिप ब्रेकिंग बिजनेस है वो डाउन होते हैं। द रीजन इज, पहले जो शिप वो खरीदते थे $1,000 में, उसके लिए उनको ₹60,000 पे करने पड़ते हैं। इफ द डॉलर गेट स्ट्रॉन्गर तो नाउ दे हैव टू पे ₹65,000, तो दे हैव टू कट डाउन देयर कॉस्ट एक्सेट्रा, जॉब लॉसेस होती है, ये सब होता है इफ डॉलर बिकम्स स्ट्रॉन्गर एंड इंडियन रुपीज, इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन रुपीज। पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होती है, राइट? ये एग्जाम्पल है कि अगर बारिश होती है तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन द पर्सन हु इज सेलिंग रेन कोट एंड अम्ब्रेला इज गोइंग टू बी इन ही इज गोइंग टू बी हैप्पी, बिकॉज आज उसकी जो रेन कोट है या अम्ब्रेला है उसका व्यापार बढ़ जाएगा, इज़न्ट इट? तो पॉजिटिव इम्पैक्ट किस किस चीज पर होती है? नाउ पॉजिटिव इम्पैक्ट में क्या होता है, दैट पहले नेगेटिव इम्पैक्ट में यू हैव टू पे मोर रुपीज, राइट? नाउ फॉर यू गेट मोर डॉलर्स इन योर हैंड। टूरिज्म सेक्टर, इफ इंटरनेशनल टूरिस्ट जो इंडिया में आते हैं, राइट? तो इफ दे इफ डॉलर की प्राइस ज्यादा है, इफ दे आर गेटिंग मोर रुपीज पर डॉलर, तो वो यहाँ पे आकर ज्यादा खर्च कर पाएंगे, तो उसके हिसाब से टूरिज्म सेक्टर में फायदा होगा। दूसरी है इंडियन डायस्पोरा और एनआरआई, जो डॉलर्स में कमाते हैं, तो जब वो पैसे इंडिया में भेजते हैं तो पहले वो $1,000 के उनको ₹60,000 मिलते थे, नाउ दे आर सेंडिंग ₹65,000, तो ₹5,000 तो यहाँ पे रहने वाले उनके रिश्तेदार को ज्यादा मिले। अदर थिंग इज एक्सपोर्टर्स, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो यू आर गेटिंग मोर मनी इन योर हैंड, इज़न्ट इट? आप सोच कर देखिए, बहुत ही सिंपल है ये। सो दैट्स एवरीथिंग रिगार्डिंग अप डाउन ऑफ रुपी एंड डॉलर। इट वाज वेरी बेसिक आई नो, लेकिन ये आपकी समझ को शार्पन करने के लिए था, ये आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है रुपी अप एंड डाउन, डॉलर अप एंड डाउन की जो ये पूरी चीज चल रही है, ये जो सी सो है वो अप डाउन हो रहा है, उसको समझने के लिए ये स्पेशली मैंने ये लेक्चर बनाया है। तो आई होप इट हैज हेल्प यू। अगर आपको समझ में नहीं आता है पहले टाइम में, देन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लिसन इट ट्वाइस और थ्राइस, राइट? एंड गो स्लो, राइट? आप समझते जाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, समझिए, मेक योर सम एग्जाम्पल्स, राइट? आप हाइपोथेटिकल इमेजिनरी एग्जाम्पल्स बनाइए और इस कॉन्सेप्ट को समझिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? सो आई विल कीप इट टिल हियर फ्रेंड्स, डू लेट मी नो, पास योर कमेंट्स, डू नॉट फॉरगेट टू टर्न ऑन दैट नोटिफिकेशन बेल इफ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब देन वॉट आर यू वेटिंग फॉर? शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, डू पास मी योर लाइक्स इफ यू जेन्युइनली लाइक इट, and I'll see you all soon with new concept, new topic. Till then, enjoy your studies, take care, goodbye.